तो दोस्तों अगर आपके विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 में स्टार्ट बटन काम नहीं कर रहा बिल्कुल ऐसे, और उसी के साथ साथ जो इसके साइड में सर्च बटन होता है वो भी काम नहीं कर रहा, लेकिन जो आपके जो टास्क बार में सारे सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं वो सही तरीके से खुल रहे हैं, और आपकी जो बॉटम राइट साइड में जो मेन्यू होता है जो वाईफाई या फिर ब्लूटूथ का मेन्यू होता है और डेट एंड टाइम का मेन्यू होता है वो भी इसी के साथ काम नहीं कर रहा, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे? तो दोस्तों मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेकमेट्रिक्स हो। तो दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो दोस्तों इस केस में आप बहुत ज़्यादा डर सकते हैं कि आपका विंडोज़ का कोई भी नीचे का स्टार्ट का बटन काम नहीं कर रहा, तो आप उसको कैसे फिक्स करेंगे? तो दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें आपको बताया होगा कि आपको टास्क बार में जाके विंडोज़ एक्सप्लोरर को एंड टास्क करना होगा, जिससे आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और आप रिस्टार्ट करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे को और होगा तो नहीं पता, लेकिन मेरे केस में बिल्कुल ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई और मेरा ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये बिल्कुल वर्क नहीं करा। तो दोस्तों मैं अपनी तरीके से बताता हूँ कि जो मेरे लिए वर्क करा है वो क्या है, क्या पता आपके लिए भी वो वर्क कर जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए और मैं बताता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम कैसे फिक्स हुआ। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे रन कमांड को ओपन कर लेना होगा। तो अब आपको टाइप करना होगा appwiz.cpl। तो दोस्तों ये टाइप करने के बाद, ओके करने के बाद सिंपली आप प्रोग्राम्स एंड फीचर में पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आने के बाद इंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको बहुत सारे अपडेट्स दिख जाएंगे जो कि आपके विंडोज़ में इंस्टॉल हुए होंगे। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई भी अपडेट इंस्टॉल करते हैं तो दोस्तों वो भी एरर का कारण बन सकता है। तो दोस्तों इसी की वजह से आपको इसमें से एक एक धीरे धीरे करके एक एक को अपडेट को इंस्टॉल करना होगा और आपको ये देखना होगा कि आपका जो एरर है फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला मेथड। दोस्तों अगर आप ये चाहे तो कर सकते हैं, नहीं अगर नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, हम सेकंड मेथड पे चलते हैं, वो आपके लिए ज़रूर ही वर्क करेगा। दोस्तों सेकंड मेथड के लिए सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको दोबारा से रन कमांड को ओपन कर लेना होगा और सिंपली इस बार आपको टाइप करना होगा rstrui.exe। तो दोस्तों जैसे ही इसको आप टाइप करके ओके करेंगे तो आपके सामने एक और नया विंडो पॉपअप होगा जो होगा सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा रिकमेंडेड ऑप्शन और एक होगा दूसरा कस्टम ऑप्शन। तो दोस्तों सिंपली आपको कस्टम ऑप्शन वाले पे क्लिक करना होगा और वहाँ पे से नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिखेगा कि आपका जो विंडोज़ अपडेट हुआ था और उससे पहले जो एक रिस्टोर पॉइंट बना होगा जब आपका ये जो प्रॉब्लम था वो क्रिएट नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आप अपने विंडोज़ को उस स्टेट में लेके जा सकते हैं इस रिकवरी के मोड से जब आपका ये विंडोज़ का ये एरर नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार फिक्स करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट करा जहाँ पर मेरा विंडोज़ एकदम सही कंडीशन में वर्क कर रहा था और इसके बाद नेक्स्ट जब मैंने करा तो यहाँ पर एक बार रीस्टार्ट के लिए पूछेगा। तो दोस्तों अगर आपके कोई भी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर का डेटा है तो दोस्तों उसको आप पहले रिकवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जब आपका ये जो प्रॉब्लम नहीं थी उसके बाद जो भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं ये सबको इंस्टॉल कर देगा। तो दोस्तों इसके बाद सिंपली आपको एक रीस्टार्ट मांगना होगा। तो रीस्टार्ट करने के बाद सिंपली आपके सामने ऐसा एक पॉपअप आएगा जिसमें बताएगा कि आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर हो चुका है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉब्लम एकदम तरीके से फिक्स हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपके लिए भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वर्क किया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को तो बिल्कुल भी ऑफ मत कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।